क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा पीपीई मोड पर लगाई गई सीटी स्कैन मशीन का विधिवत रूप से उद्घाटन कर लोगों के लिए सौंप दिया गया है। इस मौके पर राजीव सैजल ने कहा कि सीटी स्कैन मशीन का अस्पताल में ना होना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन अब यह सुविधा लोगों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में अब मरीजों को कम दामों पर ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 5.5 लाख रुपए का खर्च इस मशीन को इंस्टॉलेशन करने तक आया है। सैजल ने कहा कि जिला शिमला, सिरमौर, सोलन के लोग यहां आते हैं, ऐसे में लोगों को इसका लंबा इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब इस मशीन के लग जाने से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बहुत चर्चा में था कि सीटी स्कैन मशीन जो है यहां इस अस्पताल में कब इंस्टॉल होगी, और जब भी मैं यहां आता था तो आप लोग भी प्रश्न करते थे कि सीटी स्कैन मशीन आने में बहुत देरी हो रही है। लेकिन आज मैं समस्त सोलन निवासियों को और उन सब लोगों को जो इस अस्पताल में चिकित्सा करवाने के लिए आते हैं, सिरमौर जिला से भी लोग आते हैं, समस्त सोलन जिला के लोग आते हैं, जिला शिमला से भी लोग आते हैं, बहुत बड़ी सुविधा जो है सरकार के प्रयासों से आज यहाँ पर जो है जो एक लंबा इंतज़ार था सीटी स्कैन मशीन के यहाँ पर लगने का, वो समाप्त हुआ है। और अब सीटी स्कैन के लिए जो है किसी प्राइवेट संस्थान का रुख जो है हमारे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कौन आते हैं सरकारी अस्पतालों में? जो गांव के लोग होते हैं, जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिनके प्रयासों से और जिनके सतत प्रयासों के कारण से जो है आज ये मशीन यहाँ पर आकर के, आ तो पहले गई थी लेकिन आज विधिवत जो है इसका शुभारंभ हुआ है। तकरीबन 5.5 करोड़ जो है कुल इसके ऊपर जो है इंस्टॉलेशन और मशीन का कुल इतना खर्चा जो है आया है। हमारा प्रयास है और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चिकित्सा संस्थानों को हर दृष्टि से, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रा की दृष्टि से हो, मजबूत किया गया है। सोलन अस्पताल में ही मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर्स का कोई भी एक भी पद जो है वो खाली नहीं है। जितने यहाँ पर क्रिएटिव कोर्स हैं उसके मुताबिक सभी पद जो हैं डॉक्टर्स के भरे हुए हैं, विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास हैं। इसी तरह प्रदेश भर के समस्त अस्पतालों को भी जो है हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। रिकॉर्ड भर्ती जो है डॉक्टर्स की हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमारी सरकार ने की है। एक भी पद किसी मेडिकल ऑफिसर का आज प्रदेश के अंदर खाली नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आप जाएँ तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो हमारे चिकित्सा संस्थान है, हमारी पीएससीज हैं, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर जो है वो अवश्य मिलेगा।